हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आरिफ हाला। तो दोस्तों, चार्ट रीडिंग की सीरीज में आज हम बात करेंगे प्राइस एक्शन के एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। दोस्तों, यहां पर इस चार्ट में प्राइस एक्शन के काफी ही सारे पॉइंट हमें समझने हैं और सारे ही पॉइंट बहुत जरूरी है। तो अब दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां से मार्केट ओपन हुई, यहां से रिलायंस का स्टॉक ओपन हुआ और ओपन होने के साथ साथ ही ये कितना नीचे गिरने लगा। एक ही फ्लो में आप देखिए, चार पाँच कैंडल में ये कितना नीचे आ गया और यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका एक सपोर्ट था, उस सपोर्ट को भी उसने तोड़ दिया और सपोर्ट के नीचे ट्रेड करने लगा। एंड दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये एक बुलिश इंगल्फिंग जैसी पैटर्न बना के यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर जाते जाते यहाँ पर इसे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। दोस्तों, ये अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस लाइन बन गई है। पहले ये लाइन इसके लिए एक सपोर्ट लाइन थी। जब प्राइस किसी लाइन के ऊपर होती है तो वो लाइन उसके लिए सपोर्ट का काम करती है। जब प्राइस उस लाइन को तोड़ के नीचे चली आती है तो वही सेम लाइन उसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ये सपोर्ट लाइन थी, पर अब ये लाइन इस प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस लाइन बन चुकी है और देखिए, स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लाइन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, अब शुरू होती है वो सारी चीजें जो यहां पर हमें समझने की जरूरत है। दोस्तों, यहां पर क्या हुआ, ये नीचे आया, अब ये यहां पर इस लाइन के पास आ गया है तो जिस तरह हम सीखते आए, हमारे दिमाग में यहां पर क्या आएगा, एक पहली बात तो ये आएगी कि ये यहां पर रिटेस्ट करने के लिए आया है, तो यहां से रिटेस्ट करके ये फिर अगेन ऐसे करके नीचे चला आएगा। तो क्या करेंगे लोग, यहां पर इसके ये जो हाई बना है, यहां पर जो स्टॉक रुका था, इसका ये जो सेकंड स्विंग हाई बना है, यहां पर अपना स्टॉप लॉस डाल के उसे सेल कर देंगे कि अब ये यहां से नीचे आएगा, क्योंकि ये एक रिटेस्ट हो सकता है। सेकेंड चीज ये कि ये एक पुल बैक हो सकता है, मतलब कि अब यहाँ पर एक वो स्ट्रक्चर बनेगा लोअर लो लोअर हाई वाला। ये उसका एक हाई था, ये उसका एक सेकेंड हाई बन गया, अब ये इसका यहाँ पर लो बन गया है तो ये इसके नीचे चला आएगा, तो ये इसका एक वो सेकेंड लो बन जाएगा, मतलब कि लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर अब यहाँ पर बनने वाला है। तो लोग यहाँ पर बेयरिश सोचेंगे, खास करके बिगिनर लोग, और यहाँ से वो सेल करना शुरू कर देंगे। एंड दोस्तों, अगर यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही हो तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बन रही है, बेयरिश फ्लैग पैटर्न। आप देखिए, ये बेयरिश फ्लैग पैटर्न बन रही है। दोस्तों, बेयरिश फ्लैग पैटर्न एक बेयरिश पैटर्न है जिसके बनने के बाद जिसका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होता है और वहां से फिर से ट्रेंड नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है। पर दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना कि पैटर्न को पूरा बनने देना है, आधी अधूरी पैटर्न को कभी ट्रेड नहीं करना है, उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना है। जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन प्रॉपर मिल जाता है उसके बाद ही आपको उस पैटर्न को ट्रेड करना है। जब पैटर्न बन रही होती है तो उसे चार्ट पर आने दीजिए, उसे वहां पर बनने दीजिए, उसे अपने दिमाग में पहले ही मत बना लीजिए। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, रेजिस्टेंस टूटने के बाद, ब्रेकडाउन के बाद ये इसका फर्स्ट पुल बैक है। अब देखिए, यहां पर अभी भी प्राइस एक्शन बिल्ड नहीं हुआ है, यहां पर इसका एक ही लो बना है, सेकेंड लो यहां पर हमें मिला ही नहीं। और कभी भी हमें फर्स्ट पुल बैक पर बाय नहीं करना चाहिए, चाहे ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। ये बात मैंने अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखी है, ये बात मैंने सीखी है पावर ऑफ स्टॉक से, यानी कि सुभाषिस सर से। अब पहले ये समझते हैं कि फर्स्ट पुल बैक पर हमें क्यों बाय या सेल नहीं करना चाहिए। तो आप यहां पर देखिए कि ये स्टॉक यहां से इस तरह रिटेस्ट करने आया है। अब यहां पर क्या गारंटी है कि ये नीचे ही चला आएगा, क्योंकि एक बात तो दूसरी ये समझना कि इतना बड़ा जब फॉल आ जाता है ना, तो मतलब वो सारा कवर हो चुका है, वहां पर बहुत ही कम चांस है कि और वो नीचे जाता रहेगा। फिर पॉसिबल है कि वहां से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाए और स्टॉक ऊपर की तरफ भी चला जाए। तो एक तो ये कि एक फ्लो में इसने बहुत ही बड़ा नीचे की तरफ मुंह दे दिया है, तो उसके बाद पॉसिबल है कि बायर्स थोड़े एक्टिव आ जाए और उसे थोड़ा बहुत ऊपर ले जाए, तो फिर वहां से और डाउन ट्रेंड एक्सेप्ट करना वो भी थोड़ा हमें सोचना होता है। एंड अब आप देखिए, आप यहाँ पर मान लीजिए कि ये स्टॉक यहाँ पर रिटेस्ट करने आया था। अब दोस्तों, यहीं से हमें काफ़ी सारे पॉइंट मिल जाएंगे कि यहाँ पर हमें शॉर्ट क्यों नहीं करना है। अब ये इस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ के ऊपर भी जा सकता है, वो कैसे, अब इस बात को समझते हैं। अब देखिए, फर्स्ट पुल बैक वाली बात को समझ लेते हैं। आप देखिए, आप मान लीजिए कि आपने इसे यहाँ से शॉर्ट कर दिया, यहाँ का आपने स्टॉप लॉस ले लिया और इसे शॉर्ट कर दिया। अब क्या गारंटी है कि ये इसके नीचे ही चला आएगा? हो सकता है कि ये यहाँ तक आए, यहाँ तक ये डबल बॉटम पैटर्न बनाए, डब्लू पैटर्न बनाए, और यहाँ से फिर एक फ्लो में ऊपर की तरफ निकल गया तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पर तो पॉसिबल है ना डब्लू पैटर्न का बनना, डबल बॉटम पैटर्न का बनना, तो हमें अभी तक पता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर प्राइस एक्शन बिल्ड हुआ ही नहीं है, यहाँ पर एक ही लो मिला है। जब तक हमें इस लो के नीचे अगला लो नहीं मिलता ना, ये लो क्रॉस नहीं होता, इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं होता ना, तब तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि ये और नीचे जाता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर प्राइस एक्शन बिल्ड नहीं हुआ है। या फिर हो सकता है कि ये डब्लू पैटर्न ना बनाए, डबल बॉटम पैटर्न ना बनाए और यहाँ कहीं तक आए और यहाँ तक इसका ये जो लोअर लो बनाने के बदले ये लोअर हाई बना दे और उसके बाद इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर चला जाए और हमारा वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो दोस्तों, ये रीज़न होता है कि कभी भी फर्स्ट पुल बैक को हमें वहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर ये फर्स्ट पुल बैक है, हमें एक ही लो मिला है,
इसी तरह जब आप ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, प्राइस एक्शन देख रहे हैं ना, तब भी फर्स्ट पुल बैक पर बाई करने की गलती मत करना। हाँ, वहाँ पर स्केल्पिंग हो सकती है, स्केल्पिंग में आपको चलता है तो आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, या फिर छोटा सा स्टॉप लॉस देकर वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। पर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं या फिर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं कोई भी टाइम फ्रेम पर, ये सारे ही टाइम फ्रेम पर आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ पर फर्स्ट पुल बैक पर कभी भी बाई मत करना। अब दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट है जो हमें ये इंडिकेट करता है कि ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा और स्टॉक के नीचे आने के, प्राइस के नीचे आने के कम चांसेस है। अब वो क्या है दोस्तों, एक बात पहले ये समझ लीजिए, जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाती है ना, तो वहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें होंगी, या तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चली जाएगी, या रेजिस्टेंस से उसे वहाँ पर रिजेक्शन मिलेगा और वो नीचे की तरफ आ जाएगी। पर यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ है, 7-8 कैंडल से ये यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाएगी ना, उसे नीचे आना होगा ना, तो वो वहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं करेगी, वो तुरंत नीचे आ जाएगी। जब भी प्राइस सपोर्ट पे आएगी ना, तो वो तुरंत उस सपोर्ट को वहाँ पर रिस्पेक्ट करना होगा ना, तो वहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न फॉर्म करके ऊपर की तरफ चली जाएगी। अगर सपोर्ट पर प्राइस टाइम स्पेंड करती है, वहाँ पर कंसोलिडेट करती है, 4-5-7-8 कैंडल वहाँ पर बन जाती है, तो फिर वहाँ पर हायर चांस है कि वो सपोर्ट टूट जाएगा। देखिए प्राइस वहीं पर रुकती है जहां उसे जाना होता है। अगर वो रेजिस्टेंस के पास रुकी है, तो ऐसा सोच लीजिए कि अब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकती है, तो वहां पर ब्रेकआउट का वेट करना है, वहां पर फिर नीचे की तरफ कम सोचो। अगर सपोर्ट पर रुकी है ना, तो वहां पर ये मत सोचिए कि अब सपोर्ट से ऊपर की तरफ चली जाएगी, वहां पर ये सोचिए कि हो सकता है अभी सपोर्ट टूट जाएगा और वो नीचे ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो ब्रेकडाउन होने के बाद नीचे की तरफ सोचिए। इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि जहां पर प्राइस को जाना होगा ना, वहां पर प्राइस टाइम स्पेंड करेगी, फिर आपको प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही वहां पर एंट्री लेनी है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इस चार्ट में आगे क्या हुआ। यहां पर दोस्तों देखिए, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया और ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बिल्ड करना शुरू कर दिया, यानी कि हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। इसीलिए दोस्तों फर्स्ट पुल बैक पर कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। यहां पर एक बियरिश पैटर्न भी बन रही थी जो कि थी बियरिश फ्लैग पैटर्न, पर उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ क्योंकि पैटर्न पूरी नहीं हुई थी, उसका ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं था। इसीलिए आपको हमेशा पैटर्न का भी पूरा होने देना है, उसके बाद ही ट्रेड करना है। एंड दोस्तों कभी भी ऐसे फर्स्ट पुल बैक पर बाय मत कीजिए, एक ही लो को लेकर या एक ही हाई को लेकर वहां पर ट्रेड मत कीजिए, वहां पर सेकेंड स्विंग हाई या सेकेंड स्विंग लो को बनने दीजिए, उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही वहां पर ट्रेड कीजिए। देखिए अब यहां पर ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बिल्ड होने लगा है, तो अगर अब आप यहां पर ऊपर की तरफ ट्रेड लेना चाहते हैं, लॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। आपको यहां पर लास्ट स्विंग लो का स्टॉप लॉस लेकर ऊपर की तरफ पोजीशन बनानी चाहिए, अगर आप बनाना चाहते हैं तो। देखिए यहां पर ये एक लास्ट स्विंग लो बन रहा है, जैसे ही यहां पर कोई पैटर्न बनेगी, बुलिश पैटर्न बनेगी, यहां पर एक आपको लो मिल जाएगा, तो उस लो का स्टॉप लॉस लेकर आप ऊपर की तरफ यहां पर प्लान कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं ये पूरा चार्ट को कि आगे क्या हुआ था। देखिए उसके बाद वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ही गया, पर दोस्तों यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि इस चार्ट में थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि ये प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है। यहां पर आप देखिए कि लास्ट लो यहां पर बना था, तो सेकंड लास्ट लो भी यहां पर बना क्योंकि उसे थोड़ा ऊपर बनना चाहिए था। यहां पर देखिए लास्ट स्विंग लो बना था, तो लास्ट उसके बाद जो स्विंग लो होता है उसे उसके ऊपर बनना चाहिए, पर आप देखिए ये सिमिलर ही स्विंग लो बना रहा है, मतलब यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लास्ट स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, पर आप देखिए लास्ट स्विंग लो के आसपास आता है, स्टॉप लॉस हिट करता है और उसके बाद ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वहाँ पर कोई बात नहीं, अवॉइड कर देना चाहिए अगर स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ सकता है, और बड़ा स्टॉप लॉस रखा और रिवर्स हो गया और नीचे आ गया, तो हमारा बड़ा स्टॉप लॉस जाएगा। देखिए लास्ट स्विंग लो है ना, उसे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, लास्ट स्विंग लो के पास आता है और फिर वहीं से रिवर्स करके ऊपर चला जाता है। यानी कि ये स्पेशली हो सकता है कि इंट्राडे वालों के, स्केल्पिंग वालों के, उन सारे लोगों के ये स्टॉप लॉस लेने के लिए ही आता है, उसके बाद फिर ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे जितने भी पॉइंट जरूरी लगे जो कि प्राइस एक्शन बेस पर हमें समझना जरूरी था, वो सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट पार्ट में कोई और प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो आई होप दोस्तों यू लाइक दिस वीडियो।